नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका एस्ट्रो दोस्त तेजेंद्र शर्मा और आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे योग कारक ग्रहों के बारे में कि हम अपनी कुंडली में किसी भी योग कारक ग्रह को कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, कुंडली में लग्नेश, पंचमेश एवं नवमेश, लग्न भाव के स्वामी, पंचम के स्वामी और नवम भाव के जो स्वामी ग्रह होते हैं उनको हम कुंडली में योग कारक ग्रह मानते हैं। दोस्तों, इसके अलावा तीनों जो केंद्र बचे आते हैं, केंद्र चार होते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम भाव, लग्न के स्वामी को हम योग कारक मानते हैं और इसके अलावा तीन केंद्र बच गए, चतुर्थ, सप्तम और दशम। दोस्तों, अगर चतुर्थ, सप्तम एवं दशम में यानी कि केंद्र स्थानों में यदि किसी ग्रह की एक राशि इनमें आती है, कोई भी राशि आती है और उसका जो स्वामी ग्रह है उसकी मित्रता अगर लग्नेश के साथ हो तो उसको भी हम योग कारक ग्रह मानते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि योग कारक ग्रह क्या होता है। एक बार फिर से बताता हूं कि लग्न, पंचम एवं नवम भाव के जो स्वामी ग्रह होते हैं इनको हम कुंडली में योग कारक ग्रह मानते हैं और इसके अलावा चतुर्थ, सप्तम एवं दशम भाव में जो राशि आती है उसके जो स्वामी ग्रह होते हैं उनकी मित्रता अगर लग्नेश के साथ हो तो उस ग्रह को भी हम योग कारक ग्रह मानते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी मित्रों को नमो नारायण।